हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अपना वीडियो सुबह से ही शुरू कर दिया था। सुबह से मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ ही अपना वीडियो शुरू कर दिया था। तो बाहर हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको बारिश का दिखाती हूँ। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ठंड थोड़ी सी ऐसे लग रहा है जैसे ठंड आ रही है। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, पंखे वगैरह बंद हो गए हैं। तो मैंने गुड्डू को दूध दिया था बनाकर। लंच उनको ले जाना नहीं है, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसकी वजह से सुबह के टाइम का मेरा ये काम ख़त्म हो गया है। बस मैं उनको फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वो टिफ़िन में रख देती हूँ, वो लोग वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर कर रही हूँ गुड्डू की चोटी, वो सबसे लास्ट में करती हूँ क्योंकि बच्चे अपने बाल बिगाड़ लेते हैं चलते चलते। इसलिए मैं सबसे लास्ट में, जब रह जाते हैं 10 मिनट उनको घर से निकलने के, तब उनके बाल वगैरह बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर पहले तन्मय आ गया था कि पहले मेरी बारी है, मेरा करूँ, मैं छोटा हूँ। तो उसका किया, फिर वो अपने आप भी करता है। तो उसने अपने आप भी किए, जो कर दिया वो बिगाड़ लेता है, फिर दोबारा उसे खुद से करने का शौक़ होता है। तो बस मैं गुड्डू की चोटी कर दूंगी। वैसे तो वो दो चोटियां करवा कर जाती है, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में बोल रही कि एक ही कर दो। जब दो चोटियां होती हैं करने को उसकी, तो काफ़ी सारा काम सा लगता है, जैसे काम बढ़ गया है काफ़ी। तो जब मैंने इसकी कटिंग कराई थी, आप लोगों को याद ही होगा, आजकल वो बाल बड़े हो रहे हैं, तो क्लिप लगा देती हूँ, उनको पीछे कर देती हूँ। इसको परेशान भी नहीं करते हैं अब वो बाल। वैसे तो मैं बोल इसकी कंघी जब करती हूँ बाहर खड़े होकर करती हूँ, तो लेकिन इसको बोल रही थी मम्मी ठंड लग रही है यहीं बैठ के कर दो, तो मैंने कहा चलो यहीं कर देती हूँ। तो इन लोगों के जाने के बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ यहाँ पे अपने लिए एक कप, या आप बोल सकते हैं एक गिलास के करीब गुनगुना पानी। अगर इनका लंच बनाना होता है तो मैं ये गुनगुना पानी पीती हूँ किचन में ही काम करते करते, क्योंकि कुछ गैस पे चढ़ा दिया, फिर मैं बीच बीच में पीती रहती हूँ। लेकिन अभी लंच का नहीं है, तो फिर ये मैं कमरे में ले आई हूँ। और मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े कि कप में नहीं पीना चाहिए जिस दिन व्रत हो। वैसे तो ये सुच्चा कप है, मैं पी लेती हूँ, लेकिन इसके बाद जब मैंने कमेंट पढ़े थे, क्योंकि इसके बाद ही मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े थे, तो मैंने नहीं पी थी इस, ये लास्ट पिया था। उसके बाद मैंने चाय वगैरह जो भी पिया था पानी, वो सब स्टील के गिलास में ही पिया था। तो पानी पीते पीते मैं अखबार पे भी नज़र लगा रही हूँ कि भैया क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैं आ गई हूँ अब अपने काम पे, जो मेरा काम है। मैंने इससे पहले, चादर झाड़ने से पहले, अपनी किचन पूरी समेट ली है, उसको अच्छे से गैस स्लैब सिंक बर्तन जो भी था सब कर दिया है, और चाय बनने के लिए रख दी है क्योंकि ये आते होंगे, इनको नाश्ता कराना है। तो जब तक वो चाय कम आँच पे है, तब तक मैंने सोचा कि चलो बेडशीट वगैरह जो है इस कमरे में कुछ फैला हुआ है तो वो सब समेट लेती हूँ। इस कमरे की चादर मैंने परसों बदली थी जब मैंने मशीन लगाई थी, और ये वाली चादर मैंने मंगाई थी लाइम रोड से। ये वाली शायद ये लाइम रोड से ही मंगाई है, उस स्नैपडील से या फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाई है। और जब हम ऑनलाइन चादर मंगाते हैं तो उसका पहली बार में कलर बहुत निकलता है, लेकिन वैसे वो मुझे चादर अच्छी लगती है क्योंकि 250-300 में मतलब मुझे ठीक लगी। जब मैं यहाँ से लोकल मार्केट से लेती हूँ, जो ये बेड पे बिछी हुई है, इसका रंग वगैरह तो नहीं गया, लेकिन ये थी भी महंगी, 600 पता नहीं 550 कुछ की थी ये। तो बस मेरा सारा काम होने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे तैयार होकर, नहा धोकर एकदम से पूजा वूजा करने के लिए। तो पहले मैं थोड़ा सा जो है अपने आप को मतलब बिंदी वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि सूने माथे नहीं बैठते हैं, सुहागन ओढ़ते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, थोड़ा सा ही करूँगी। सोचा तो था कि लाइनर वगैरह भी लगाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी हो रही थी कि भाई पूजा करनी है, टाइम निकलता जा रहा है पूजा करनी है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। चूड़ी वगैरह चेंज कर ली थी मैंने अपनी, क्योंकि अगर साड़ी पहनो तो उसके साथ चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मतलब हाथ भर के हों तो और भी मज़ा आता है। लेकिन मैंने 6-6 चूड़ियाँ निकाल ली थी और मुझे मिल भी गई ऑरेंज कलर की, मुझे याद आ गया था कि हाँ ऑरेंज कलर की मेरे पास चूड़ियाँ रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से तैयार होके आ चुकी हूँ, मैंने सोचा कि एक बार मैं आप सभी लोगों को दिखा देती हूँ फटाफट से। तो आज मैंने ना बीच में अपनी पूरी मांग भरी है इस तरह से। मैं पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपनी पूरी मांग, जो मतलब बोलते हैं ना जहाँ तक हमारी मांग निकलती है वहाँ तक सिंदूर लगाना चाहिए, मेरी मम्मी बोलती थी कि पति की उम्र लंबी होती है। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पहले मैं उधर करती हूँ, फिर मैं इधर करती हूँ पूजा। तो मैंने इनसे माला मंगाई थी, ये कल भी नहीं लेकर आए थे, तो ये क्या किया इन्होंने कि ये फूल ले आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं माला खुद बनाती हूँ बैठकर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए माला,
और जब मैं माला बना रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या काम कर रही हूँ भगवान का ऐसा, जिससे मुझे सुकून मिल रहा हो। तो बस मैं उसी तरीके से पूजा कर लूँगी, आरती जो पाठ करती हूँ वो, जो दो चार क्या बोलते हैं उसको, जो मंत्र से होते हैं वो सब मैं कर लूँगी, जो जो मैं करती हूँ रोज़ाना, और जब नवरात्रों में थोड़ा स्पेशल होता है तो वो सब कर लूँगी मैं, जिस तरीके से रोज़ाना करती हूँ। तो माला उतनी बड़ी नहीं बन पाई थी जितनी बड़ी मैंने सोची थी, छोटी सी ही बनी है। तो भोग वगैरह मैंने यहाँ पे सब रख लिया है। हमारे घर तो जो दोग देते हैं वो कड़सी या जो उपला होता है उससे देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कपूर रख लेती हूँ और उसमें लौंग का जोड़ा वगैरह कर लेती हूँ। बस आरती कर लूँगी और जो चालीसा वगैरह करनी है वो सब करके मेरी पूजा हो जाएगी। जय माता दी, कैसे हैं आप सब? तो बस मैं अभी आकर यहाँ पर बैठ गई हूँ और मैं सोची हूँ थोड़ी सी अपने लिए चाय बना लूँ, या कुछ मतलब जैसे केला या सेब रखा है वो खा लूँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। वैसे तो चाय का मन है, सुबह से नहीं पी है, तो एक कप चाय तो बनती है। देखूंगी, बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है तो देखती हूँ, उन लोगों के आज एग्जाम जो है खत्म हो जाएंगे, कल से शायद उन लोगों की छुट्टी है 2-3 दिन की। तो मैंने ना ये वाले इयररिंग पहन लिए हैं, क्योंकि जो दूसरे वाले मैं पहनने जा रही थी उसका वो नहीं मिला, पीछे की डार्ट जो होती है वो। कितनी सारी लाकर रखी थी, सब बच्चे जब खेलते हैं इससे, गुड्डू खेलती है इधर उधर गिरा देते, और ये टेढ़ा हो गया। ये मैंने पिछले साल लिए थे। मुझे इयररिंग्स खरीदने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा, और ये बोलते हैं बस पहनने का नहीं है, खरीदने का है। और मंगलसूत्र पहनना चाह रही थी मैं, लेकिन मेरे मंगलसूत्र की जो चेन है वो खराब हो रखी है, मतलब उसका ना वो हट रखा है कि वो पहन नहीं सकती मैं, दोनों अलग हो रखी है उसकी चेन। और हाथों में चूड़ियां, मैंने चूड़ियां भी चेंज कर ली हैं, ये मेरे पास काफी सालों पुरानी रखी थी तो मैंने ये वाली पहन ली है। साड़ी के मैच की है ये, ऑरेंज कलर की, मतलब इसका कलर ऑरेंज अलग है, साड़ी वाला अलग है। तो कैसी लग रही है आपको ये वाली साड़ी? ये मैंने होई पे पहनी थी, जिसने होई वाला वीडियो देखा है ना उसने तो ये साड़ी पहचान ली होगी। तो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फोन वोन चेक करती हूँ, बहुत देर से चेक नहीं किया है, मम्मी से बात करती हूँ। तो मैंने इनके लिए और अपने लिए चाय बना ली है। ये मना कर रहे थे कि ना मुझे चाय पीनी है, ना मुझे अभी खाना खाना है, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। ये बच्चों को लेकर आए थे तो मैंने कहा नहीं, चाय तो पी लो, चलो खाना नहीं खा रहे हो। वैसे इन्होंने सुबह में नाश्ता कर लिया था, तो बच्चों को लेकर ये 2-1 घंटे बाद ही आ जाते हैं। 11 बजे उनकी छुट्टी होती है, एग्ज़ाम चल रहे थे उनके। तो फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती एक लड्डू दे दिया जो मैं ले रही थी व्रत में। चौलाई के लड्डू होते हैं जो गुड़ से बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, चाय में डालकर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ज़बरदस्ती मैंने इनकी भी चाय में डाल दिया, जबकि अपना अलग अलग टेस्ट होता है, इनको वैसे नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हम दोनों बैठ के पी रहे हैं चाय। आजकल मैं इनके साथ सुबह में नहीं पी पाती हूँ, तो आजकल आज मतलब इस टाइम पी ली है, कल तो नहीं पीती इन्होंने मेरे साथ इस टाइम। अभी 2:19 हो रहे हैं, पंखा मैंने कम पे किया क्योंकि मैं आई थी चलकर, तो गर्मी लग जाती है जब हम चलकर आते हैं। वैसे अगर लेटे हुए हैं जैसे तन में लेट रहा है तो इसे ठंड लग गई होगी, जैसे मैंने पंखा चला लिया था। और मैं साड़ी में इलज गई, और जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेहमान आई हुई हूँ मैं, मेरा काम करने को दिल नहीं करता, सिर्फ बैठा रहने को, बैठे रहने को मन होता है, फालतू कुछ करने का दिल नहीं करता है, या खड़े खड़े कुछ छोटा मोटा काम कर दिया। ज्यादा लंबा खाना पीना नहीं बना सकती हूँ साड़ी पहनकर, उलझन सी होती है। गुड्डू को खाना बना के देना है, लेकिन मैंने कहा बेटा सांस लेने दो, कहीं एकदम से अचानक से फोन आ गया था, मुझे जाना पड़ा थोड़ी सी दूर, ज्यादा दूर नहीं। तो वहां गई मैं अपनी चाची सास के साथ, और फिर आई बैठी, पंखा चलाया, गर्मी सी लग गई थी, और थोड़ा बाहर झाड़ू लगाई, किरकल किरकल सी हो रही, किरकल किरकल हो रही थी। तो अब मैं
बस गुड्डू के लिए रोटी बनाऊंगी। और मैंने सुबह से अभी वही जो चाय और जो लाई का लड्डू था वो खाया है। मैं अब आपसे शाम में ही मिलूंगी, क्योंकि गुड्डू का खाना बनाने के बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। तो मैंने ना साड़ी चेंज कर ली है, बिल्कुल अभी करी है, 6:15 है। यहाँ की लाइट तो मैं बाद में चलाऊंगी, 6:15 है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मैं बनाऊंगी जो सामक के चावल होते हैं इनकी खिचड़ी। ये खिचड़ी मैं थोड़ा सा वो कर दूंगी आलू के साथ साथ, एक छोटे आलू के साथ साथ थोड़ी सी लौकी इसमें कद्दूकस करके डाल दूंगी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। फिर ये हल्की की हल्की रहेगी और टेस्टी की टेस्टी लगेगी। मैंने दोपहर में बनाई थी ना चाय, वही वाला भिगोना है। मैंने इसको धोया नहीं था, ढककर रख दिया था प्लेट से। वैसे तो ऐसा मैं करती ही हूँ, नवरात्रों में ही होता है, क्योंकि मुझे चाय का ज्यादा शौक नहीं है, या फिर ये है कि सर्दियों में हो जाता है कभी ऐसा। जब भी चाय बनाने लगती हूँ चीज खत्म हो जाती है, इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी। कितनी बार तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी चाय बनाने लगती हूँ ये चीनी खत्म, और इसमें भी खत्म लानी है। उस दिन हम बहुत सारा सामान ऐसा था जो अब मैं घर का राशन लेकर आई थी, बहुत सारा सामान ऐसा था जो मैं लेके ही नहीं आई, मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था। बाहर का नजारा बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश तो नहीं आई है उसके बाद से। 11:30 तक बारिश हुई थी खूब सारी, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं वैसे करके दिखाती हूँ उधर की साइड। मैंने आप लोगों को बोला कि मैं मौसम दिखाती हूँ, लेकिन इसी बीच चाय बनकर हो गई थी तैयार, तो मैंने कहा बाद में जाएंगे ऊपर, पहले चाय पी लेते हैं फिर आएंगे। अगर एक बार ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा घूमेंगे, फिर चाय थोड़ी ठंडी होगी, फिर नीचे आके गर्म करेंगे। तो मैंने और भाभी ने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं फिर एक ही बार ऊपर जाएंगे। तो चाय पीकर मैं दिखाऊंगी आपको ऊपर से नज़ारा मौसम का। इधर आ, इधर दोनों इधर आओ। आराम से। मैं बनाने जा रही हूँ सामक के चावल की खिचड़ी। जो लौकी मैंने आप लोगों को दिखाई थी इसमें डालने के लिए कसकर, वो लौकी निकल गई है खराब, उसमें कीड़ा था अंदर, तो वो मैं अब नहीं डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके पास है तो आप उसको कस के रख लीजिए, इसमें मत मिक्स कीजिएगा। ये आलू है मोटे मोटे जिसको मैंने धो के इसी में ही रख लिया है, और ये चावल है धो लिए हैं अच्छे से। ये टमाटर और हरी मिर्च है, हरी मिर्च नीचे दब गई, 4 हरी मिर्च ली है और टमाटर है। अगर आपके पास लौकी है तो वो सबसे लास्ट में डलेगी, जैसे मतलब ये चावल और खिचड़ी डालोगे ना आप टमाटर होने के बाद, तो फिर सबसे लास्ट में आप वो डाल दें। और एक कटोरी पानी कम डालें, क्योंकि उसमें जो है लौकी में बहुत पानी होता है, उसको निचोड़ने की जरूरत नहीं है, बस धो के कद्दूकस कर लें। और सबसे लास्ट में ढक्कन लगाने से पहले वो लौकी डाल दें कसी हुई, और अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा दें। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। गैस बंद कर दी थी मैंने क्योंकि घी ज्यादा गर्म हो गया था, और अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर और हरी मिर्च। मैं इसमें नमक वगैरह डाल देती हूँ, नमक और काली मिर्च, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं डालूंगी इसमें, सिर्फ जो व्रत का होता है 100 सेंधा नमक, और सेंधा नमक ना हल्का सा कम रहता है, जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है। काली मिर्च, कुछ लोग लाल मिर्च भी डाल लेते हैं, वो अलग से पीस के रख लेते हैं, लेकिन मैं काली मिर्च ही डाल रही हूँ।
हम भी डाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अलग से किसी भी है तो घर की है जो, ये जो खिचड़ी है जो मैंने धो के रखी हुई है, चावल और आलू, मैंने एक कटोरी के करीब ली थी वो खिचड़ी सामक के चावल। अब मैं इसमें 5 कटोरी या 6 कटोरी के करीब पानी डालूंगी, 2 सीटियां लगाऊंगी और इसको मैं थोड़ा पतला रखूंगी, मतलब मीडियम, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पतली बना दूंगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है लौकी डालकर ये वाली खिचड़ी बनाना, तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बुरी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट बदल जाता है। तो इस टाइम आप उसमें डाल दें, चला दें, जितना भी लौकी डाल रहे हैं आप, जैसे 1 कटोरी चावल लिए हैं तो बस उसमें 1 कटोरी पानी कम कर दे, क्योंकि लौकी में होता है तो वो खुद पानी छोड़ देगी। निचोड़ के मत डालिएगा, बस कस के सीधा डाल दीजिएगा इसमें इस वक्त, और चला के इसका ढक्कन बंद कर दीजिएगा। 2 से 3 सीटी देखती हूँ, 2 लगाती हूँ या 3 लगाती हूँ, तो इसको छोड़ देती हूँ अभी। यहाँ पर ना हमारा बेडरूम नहीं है, मतलब ये बेड यहाँ पर बिछा हुआ जरूर है लेकिन इस बेड पे कोई सोता नहीं है, क्योंकि बच्चे हम लोगों के पास ही सोते हैं और हम उधर सोते हैं, तो ये बेड खाली रहता है, इस पे कोई नहीं सोता है। गाड़ी को तय करूंगी अभी थोड़ी देर, मैंने कहा बैठ जाती हूँ। खिचड़ी में गैस मैंने बंद कर दी है उसकी, 2 सीटियां लगाई है तो अब भूख लग रही है और टाइम भी काफी हो गया है, 7:46 हो रहे हैं, 8 ही बज जाएंगे खाना खाते खाते, और आजकल मैं इनसे पहले ही खा लेती हूँ। गुड्डू तो भाभी के घर खाएगी, उन्होंने काली दाल और चावल बनाए हैं तो वो वहां खाएगी, तन्मय काली दाल नहीं खाता है तो वो खिचड़ी शौक से खा लेगा और इनके लिए भी खिचड़ी हो जाएगी। तो बस यही है आज का। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है। अगर आप सादा खाना खाना चाहते हैं व्रत में तो ये बेस्ट है, टेस्टी भी लगेगा और हल्का भी रहेगा। तो दही ले ली है, ये ले लिया है खिचड़ी, मैं ये वाली पूरे हफ्ते में 2 बार तो बनाती हूँ, 1 बार बन चुकी है, 1 बार और बनाऊंगी। तो आप लोग भी खा लीजिए व्रत का खाना। मैं इस कमरे में आ गई हूँ क्योंकि मैं देखूंगी बिग बॉस, अभी तो बिग बॉस का कुछ टाइम नहीं हुआ है, मैंने उसके टाइम का पता करा ना, मतलब नेट पे ही देखा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कलर्स चैनल, तो 10:30 बजे है उसकी टाइमिंग। मुझे वही टाइमिंग अच्छी लगती थी जो 9 बजे की थी उसकी बिग बॉस की रोजाना में, मतलब अभी तो सिर्फ संडे में आएगा वो 9 बजे, और मैं जब बाल खोलती हूँ बड़ी खुजली होती है। लोगों को बाय बाय बोलूंगी, मुझे एडिटिंग करनी है अब, अभी तो 9 नहीं बजे 8:30 बज गए, इसका मतलब आज ये जल्दी आ गए हैं, ये उधर बैठ के खाना खा रहे हैं उस वाले कमरे में बैठ के, मैं इधर आ गई थी। खा लिया है, मुझे इतनी दूर से गर्दन हिलती हुई नहीं दिखती। हाँ। मुझे गर्दन नहीं दिखती हिलती हुई भाई। फिर मैं वो करने वाली हूँ, बाय बाय, कल मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। लाइट यहाँ पे खराब हो गई थी ना, वो दूसरे वाली लगाई, उसकी इतनी रोशनी नहीं है इस कमरे में, यहाँ की लाइट चेंज करनी है।